1987 बैच के आईपीएस अधिकारी और बिहार के नए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की चर्चा लगातार सामाजिक सरोकार के साथ बेहतर पुलिसिंग के लिए होती रही है। उनकी चर्चा शराबबंदी को लेकर चल रहे अभियान पर बड़े स्तर पर हुई। बड़े समूह में जाकर वो नशाबंदी और शराबबंदी के खिलाफ लोगों को जागरूक करते रहे। बिहार पुलिस एकेडमी के पहले महानिदेशक का पदभार ग्रहण करने के पूर्व वह बीएमपी के डीजी भी रह चुके हैं। पूर्व में वह एडीजी मुख्यालय के साथ साथ पद पर काफी दिनों तक काम कर चुके हैं। पांडे 28 फरवरी 2021 को अवकाश ग्रहण करेंगे। गुप्तेश्वर पांडे को ट्रबल शूटर भी कहा जाता है। गुप्तेश्वर पांडे पूर्व में चतरा, बेगूसराय, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, हजारीबाग जैसे जिले में एसपी के रूप में काम कर चुके हैं। मुंगेर, बेतिया और मुजफ्फरपुर में डीआईजी रहे हैं। इसके अतिरिक्त विशेष शाखा में आईजी भी रह चुके हैं। वर्ष 2017 की जुलाई में वो एडीजी से डीजी के रूप में प्रमोट हुए थे। उन्हें ट्रबल शूटर के रूप में भी माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि जिस समय औरंगाबाद और कटिहार में तनाव की स्थिति थी, उस समय उन्हें सरकार ने वहां भेजा था, तब वो बीएमपी के डीजी के रूप में तैनात थे। गुप्तेश्वर पांडे को आम जनमानस के अलावा सरकार की नजर में अपराध नियंत्रक और कड़क प्रशासक के रूप में देखा जाता है। वे संवेदनशील पुलिस कर्मी के रूप में भी जाने जाते हैं। खासकर विधि व्यवस्था संभालने के मामले में गुप्तेश्वर पांडे का कोई शानी नहीं है। बिहार के नए प्रावधान के मुताबिक डीजीपी की नियुक्ति हुई है। नए प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार के पास समिति अधिकार है और बिहार कैडर के डीजी रैंक के 12 अफसरों के नाम यूपीएससी को भेजे गए थे, जिनमें से गुप्तेश्वर पांडे के नाम पर मुहर लगी है। ऐसे में अब बिहार के नए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हैं। देखना होगा कि वो किस तरह से क्राइम को कंट्रोल करते हैं। द गरम पोस्ट की रिपोर्ट।